दोस्तों रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन एज का एंड हो रहा है और बायो एज का राइज हो रहा है। अब ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे हम हर रोज़ न्यूज़ में पढ़ रहे हैं जी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, हमें क्रॉप्स भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहिए, मॉस्किटो भी हमें जीएम मॉस्किटो चाहिए, तो इसकी वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा घुस गई है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बायो एज आ जाएगी। अब इस टाइम के ऊपर नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो लीगल राइट दे रहे हैं नेचुरल एंटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल इक्वाडोर की बात करें तो उन्होंने अपने, अगर हम बात करें फॉरेस्ट है, आइलैंड है, रिवर है, उनको लीगल राइट दिया है, मतलब राइट टू एग्जिस्ट फ्लरिश एंड डेवलप। तो इसकी वजह से हम एक बैलेंस कर पाएंगे दोनों के बीच।